चलिए अभी रुख करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं पूर्व मिसेज इंडिया राजस्थान ने एक व्यापारी को अपने जाल के अंदर फंसाया है। साथ ही साथ उन्होंने जाल में फंसाने के साथ ही करोड़ों रुपए ऐंठने का ये मामला भी सामने आया है। और इस मामले का उजागर कल रात को ही हुआ है और वो भी श्याम नगर थाने के द्वारा। तो आइए नजर डालते हैं इस पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान में हनी ट्रैप के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ताजा मामला जयपुर में सामने आया है। एक व्यापारी को पूर्व मिसेज इंडिया राजस्थान ने जाल में फंसा लिया। व्यापारी से परिचय कर मकान किराए पर लिया, इसके बाद पारिवारिक संबंध बनाकर दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपए ठग लिए। पुलिस ने मिस राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हेड कांस्टेबल से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, जो मिसेज राजस्थान का पति है। श्यामनगर थाने के ASI जय सिंह ने बताया कि श्यामनगर पुलिस ने आरोपी महिला प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार किया है। ये उत्तम मार्ग की रहने वाली है। महिला का पति भी राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल है। 3 जून को व्यापारी घासीलाल चौधरी ने श्याम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन यह मामला पुलिस छिपाती रही और जांच करती रही। भारी दबाव के बाद शुक्रवार को देर रात को यह मामला सामने आने के बाद युवती को गिरफ्तार किया गया और हनी ट्रैप का शिकार हुए व्यापारी शहर की पौश पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी महिला उनसे धमकी देकर 400 वर्ग गज का प्लॉट मांग रही है।